Hello students, in this video we are going to discuss about integration by substitution method. Substitution method के अंदर हमारा जो question होगा वो इस format में होगा. Function given होगा और साथ ही उसका derivative दे रखा होगा. अगर हमें function और derivative multiply में given है, function और derivative अगर हमें multiply में given है, तो उस type के functions को differentiate करने के लिए हम substitution method use करेंगे. इस मेथड के लिए हमें फंक्शन को टी कंसीडर करना होगा. इस एफ एक्स को हम टी कंसीडर करेंगे. टी कंसीडर किया, क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए अभी कोई भी मेथड हमने डिस्कस नहीं किया है. सपोज अगर हमारा क्वेश्चन इस टाइप से है, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ टू फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ रहे हैं. फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? ई टू द पावर एक्स स्क्वायर. सेकेंड फंक्शन कौन सा है? एक्स. दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में. हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ ना कर लें, क्योंकि सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करके हम ये जो टू फंक्शंस हैं इनको कन्वर्ट कर देंगे सिंगल फंक्शन के अंदर. कैसे? यहाँ पे देखो, एफ एक्स को हमने टी कंसिडर किया. एफ एक्स इक्वल्स टू टी. इस टर्म को हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स. एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, टी का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बनेगा डी टी अपॉन डी एक्स. डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी ये रहा और डी एक्स को इधर शिफ्ट कर दिया, तो इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करने पर हमें मिल जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं. एफ एक्स की वैल्यू टी, एफ डैश एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी. अब यहाँ पर चेक करो, हमें केवल सिंगल फंक्शन नहीं मिल रहा है, यह सिंगल फंक्शन है, जबकि इससे पहले हमें टू फंक्शंस मिल रहे थे. हमने सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करके उसे सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया और अब हम इसे आसानी से टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं. और इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ होना है यहाँ पर? एक्स टू द पावर एन डी एक्स, और इसका रिजल्ट होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. डिफ्रेंशिएट कर दिया इस फॉर्मूले का यूज, सॉरी इंटीग्रेट कर दिया इस फॉर्मूले का यूज करके, तो वैल्यू हो गई टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी. टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे. टी हमने किसे कंसीडर किया था? एफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी. ये मेन कॉन्सेप्ट है सब्सटीट्यूशन मेथड का, जिसमें फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव गिवन होगा. फंक्शन को हमें टी कंसीडर करना है, लेकिन कई बार क्वेश्चन इस टाइप का रहता है कि हमें यह पता नहीं चल पाता कि फंक्शन और डेरिवेटिव किसे कंसीडर किया जाए. नॉर्मली हमारे पास में थ्री स्टेप्स रहेंगे जिसे आपको अच्छे से समझना है. इन थ्री स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमें यह डिसाइड करना है फंक्शन किसे कंसीडर करना है. फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट वन, अगर आपका क्वेश्चन बेस एंड पावर की फॉर्म में है, बेस एंड पावर की फॉर्म में है, तो बेस को आप हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? टी. अगर आपका क्वेश्चन बेस एंड पावर की फॉर्म में है तो बेस को हमेशा क्या कंसीडर करना है? टी फर्स्ट. सेकंड, अगर आपका क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन की फॉर्म में है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन को टी कंसीडर करना है. अगर आपका क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन की फॉर्म में है तो सेकंड फंक्शन को टी कंसीडर करना है. थर्ड मेथड, अगर आपका क्वेश्चन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू, तो हमेशा डिनोमिनेटर को टी कंसीडर करना है. ये थ्री स्टेप्स आपको याद रखने हैं. मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ. अगर हम क्वेश्चन में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि टी किसे कंसीडर करना है, तो इस टाइप से आपको प्रायोरिटीज फिक्स करनी है. फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? अगर आपका क्वेश्चन बेस एंड पावर की फॉर्म में है तो 99.9% चांसेस हैं कि आप बेस को टी कंसीडर करेंगे. अगर आपका क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन की फॉर्म में है तो सेकंड फंक्शन को टी कंसीडर करना है. और अगर हमारा क्वेश्चन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर को हम टी कंसीडर करेंगे. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं. इससे हमें इंटीग्रेट करना है साइन टू एक्स डी एक्स. अच्छे से चेक करें, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन की फॉर्म में है. साइन एक्स होना चाहिए था, नहीं, यहाँ एक्स नहीं देकर उन्होंने क्या दिया है? टू एक्स दिया है. इसका मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन मीन्स हम टू एक्स को क्या कंसीडर करेंगे? टी. टू एज इट इज,
एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, साथ में डी एक्स इज टू डी टी। याद रखना यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स आ रहा है, उसी डी एक्स को हमने इधर शिफ्ट कर रखा है। 2 एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, डी एक्स इज टू डी टी। हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करनी है, ये चेक कर लो डी एक्स की। तो यहाँ से हमें केवल डी एक्स रखना है, 2 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो डी एक्स इज टू डी टी बाई 2। इन सब्सटीट्यूशंस को यहाँ पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, साइन 2x के प्लेस पे t, dx के प्लेस पे dt अपॉन 2, अपॉन 2 कॉन्स्टेंट टर्म इसलिए बाहर शिफ्ट कर दिया, हाफ एज इट इज। एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इज माइनस ऑफ cos t प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, t की वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे और ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2x + 3, अगेन फंक्शन ऑफ फंक्शन, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन है हमारे पास में लॉग x, लेकिन यहाँ 1/x हो नहीं होकर क्या दे रखा है, 2x + 3। तो हम इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट मेथड तो ये रहा जो हमने यहाँ पे ऑप्ट किया, हम 2x + 3 को t कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन की फॉर्म में है और जहाँ पर फंक्शन आ रहा है जिसे आप t कंसीडर करने वाले हैं, यहाँ पे हम किसको t कंसीडर करने वाले हैं, 2x + 3, अगर वो टर्म लीनियर फॉर्म में है, वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर अगर आपको 1 दे रखी है, तो आप उसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं और वेरिएबल का जो कांस्टेंट होगा उसे अपॉन में शिफ्ट करना है डायरेक्ट, हमें इतना प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे होगा, 1/x इसे हम टी कंसिडर करने वाले थे, ये लीनियर है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स, एक्स का कॉफिशियंट 2, उसे अपॉन में शिफ्ट कर देंगे प्लस सी। ये केवल तभी करना है जब फंक्शन ऑफ फंक्शन की जगह आपको लीनियर फंक्शन मिल रहा हो। नेक्स्ट, इसी पैटर्न का सेम क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से देखें, e^5x, अगेन फंक्शन ऑफ फंक्शन, 5x को टी कंसिडर करना है, 5x लीनियर टर्म है, लीनियर, तो हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, e^x का इंटीग्रेशन e^x, एक्स का जो भी कॉफिशियंट है, वेरिएबल का कॉफिशियंट, वो अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा प्लस सी। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 5x - 4 होल स्क्वायर dx, अगेन फंक्शन ऑफ फंक्शन, रीजन हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, 1/1 + x² dx, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस सी होगा। अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो x के प्लेस पे देखो क्या है, 5x - 4, तो हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन, मीन्स हम 5x - 4 को t कंसीडर करेंगे, लेकिन 5x - 4 लीनियर है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स x के प्लेस पे 5x - 4, और x का जो भी कॉफिशियंट दे रखा है वो अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा प्लस c। अगर सब्सटीट्यूशन में जिसे हम t कंसिडर कर रहे हैं अगर वो लीनियर टर्म है तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, केवल ध्यान रखना है जो वेरिएबल का कॉफिशियंट होगा वो डिनोमिनेटर में आपको पुट करना है। नेक्स्ट, x इंटू e^x² 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में, तो डायरेक्ट हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन बन रहा है, e^x के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जबकि यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, x², तो हम x² को क्या कंसीडर करेंगे, t। हम डायरेक्ट फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जिसे हमने t कंसीडर किया है वो किस फॉर्मेट में दे रखा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, पावर 2, लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो x² = t, x² का डेरिवेटिव 2x, साथ में dx = dt। ओके, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ओनली x dx, तो x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/2। ये कंप्लीट सब्सटीट्यूशन हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, e एज इट इज, x² के प्लेस पे t हो गया, x dx के प्लेस पे dt/2 dt, और कॉन्स्टेंट टर्म बाहर शिफ्ट कर दिया, हाफ एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ e^t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t की वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे और ये हो जाएगा डिजायर्ड रिजल्ट, हाफ ऑफ e^x² + c। वन मोर क्वेश्चन,
व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स? क्या लॉग एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हमारे पास में? नहीं है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन अपॉन एक्स, मतलब फंक्शन भी दे रखा है और उसका डेरिवेटिव भी दे रखा है, तो हम लॉग एक्स को क्या कंसिडर कर लेंगे? टी, क्योंकि उसका डेरिवेटिव है हमारे पास में वन अपॉन एक्स। देन लॉग एक्स इक्वल्स टू टी, वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, एक्स वेरिएबल की साइड में डी एक्स रहेगा और टी वेरिएबल की साइड में डी टी, क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वन इंटू डी टी। हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, साथ में डी एक्स इज इक्वल्स टू टी का डिफरेंशिएशन वन और साथ में डी टी। वैल्यू पुट कर देते हैं लॉग एक्स के प्लेस पे टी, डी एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? डी टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूले का यूज़ करके कर सकते हैं? अगेन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, और इसका रिजल्ट हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इसका यूज़ करने पर टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, टी की वैल्यू लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, किसे टी कंसिडर किया जाए? अगेन फंक्शन ऑफ फंक्शन, साइन एक्स होना चाहिए, यहाँ पर एक्स नहीं है, तो हम टेन इनवर्स एक्स को टी कंसिडर करेंगे, और टेन इनवर्स एक्स को टी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर गिवन है। ओके फंक्शन ऑफ फंक्शन, साइन एक्स होना चाहिए था, तो हम टेन इनवर्स एक्स को क्या कंसिडर करेंगे? टी, टेन इनवर्स एक्स को टी, इसका डेरिवेटिव भी हमें गिवन है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वेरिएबल की साइड में डी एक्स, टी वेरिएबल की साइड में डी टी। तो साइन एज इट इज टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पे टी, डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा डी टी डी टी। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया साइन टी का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल टी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज माइनस कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कॉस एज इट इज टी की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।